ये जो मैं तो कहता हूँ प्रणब मुखर्जी मूडी की बड़ी मेहरबानी है, मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ, हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेसिंग एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। मैं तो भी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एग्रीमेंट के बाद अगर प्रणब मुखर्जी मूडी भी रिसिप्रोकेट करते हैं और करना चाहते हैं तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि उनकी तरफ से कोई सीबीएम क्या ऐसी चीज जो है उनकी तरफ से आएगी जो हम कहेंगे हाँ भाई ये वाकई मामला आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की। दोनों वज़ीर आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुशंबे में दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा ने मुलाकात करनी थी, वो भी मुलाकात ना हो सकी। आखिर उसके पसे पर्दा क्या वामिल थे कि जो मोदी साहब ने खत लिखा उसमें सबसे पहले बात यह है कि उम्र गुजर गई हमें इस तरह के खत लिखते और रिसीव करते जी। उसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान को, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पीपल ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुबारक नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान को मुबारक नहीं दे रहे, वो पाकिस्तानी पीपल को। इसका मतलब है कि वो जो खत लिखा नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो पाकिस्तानी कौम के नाम है, पाकिस्तानी कौम के नाम है। दूसरा उसमें ये है कि आप इस किस्म के जो रूटीन के 23 मार्च को 14 अगस्त को या किसी भी मुल्क के नेशनल डे पे खत लिखते हैं उसके एक स्टैंडर्ड चीजें होती है, उसे कहते हैं कस्टमरी मैसेज, कस्टमरी मैसेज, जिसमें आप बायलैटरल बातों को लिखते हैं कि जी हम इकोनॉमिक्स में ये कर देंगे, हम ट्रेड में ये कर देंगे और मैं आपको इनवाइट करता हूं आप तशरीफ लाएं वगैरह वगैरह। दो लफ्ज इसमें मतीन साहब नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसे ऐड किए जिसने हम सबकी जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फेर दिया। वो दो लफ्ज क्या है? वो ये कि उन्होंने लिखा कि टेरर और हॉस्टिलिटी, कि ऐसा माहौल जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो, जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो। और भाई 23 मार्च को आप लिख रहे हैं पाकिस्तान का दिन है और को खुशी की गल करो, आपने क्या किया? आपने वही अपना स्टैंड जो कि पिछले कई बरसों से आ रहा है कि जी असली मसला टेररिज्म है, असली मसला हॉस्टिलिटी है, असली मसला जो है वो कश्मीर नहीं है, उसको आपने बातों बातों में तो ये टेरर और हॉस्टेलिटी से जोड़ दिया। जी कमर चीमा साहब, खत तो बड़ा जबरदस्त था, जिस तरह एम्बेसडर नजमो साकिब साहब कह रहे हैं मुबारकबाद दी गई, अच्छे ताल्लुकात की बात की गई, लेकिन रवायती शरारत वही कि टेरर एंड हॉस्टेलिटी, कि ऐसा माहौल ऐसे हालात जिसमें दहशतगर्दी ना हो, जिसमें जिसमें दुश्मनी ना हो। जी मतीन साहब, सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो खत का स्टाइल है ना कि अवाम के नाम खत, ये बेसिकली ये वेस्टर्न लीडर से उन्होंने लिया, अमरीकी भी इस तरह करते हैं और जैसे वो अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जी हम अवाम के बड़े जो हैं वो सगे हैं और ये लीडरशिप जो है ना आपके लिए मसले पैदा कर रही है, तो ये बेसिकली ये एक तरीकाकार होता है डिविजन पैदा करने का भी, एक बात। जो दूसरी बात यह है कि जो हॉस्टेलिया की, देखिये पहली बात तो यह कि हमें इस बात का पता है कि जो कश्मीर की स्ट्रगल है वो एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल है, वो कश्मीरी कर रहे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो जो अपना स्टेटस दिया है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरली हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, मिलिटरली हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल मिलिटरली हम नहीं सपोर्ट कर रहे जी। और दूसरी बात यह है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि आपने कश्मीरियों को इंगेज करें, आपका अगर मसला है तो उसमें आप कश्मीरियों को इंगेज करें, हमें जो करना चाहिए, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ा नुकसान भी उठाया है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ आपके साथ तामुन करने को तैयार हैं। अगर आप हमारे यहाँ दहशतगर्दी बंद कराना करेंगे तो बहुत अच्छी है, अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में कराची में जो आप कराते रहे हैं, हम तो आपसे तामुन करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ उसको इस तरह इस टोन एंड टैनर को लेना चाहिए कि हम आपके साथ तामुन करने को तैयार हैं और जिसकी आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं वो दहशतगर्दी नहीं है, वो लोकल स्ट्रगल है। तो आपकी डेफिनेशन और है दहशतगर्दी की, हमारी जो आप समझ रहे हैं हम, और सो हमें रादर इसमें अपोलोजेटिक होने पे या डिफेंसिव होने के, हमें इसमें ऑफेंसिवली होके उन पे बात करनी चाहिए। और कश्मीर का मसला तो है ही बड़ा इंपॉर्टेंट और वो उसके बगैर हम चल कैसे सकते हैं। सो लेकिन मेरे नजदीक जो इंपॉर्टेंट चीज है मतीन साहब वो ये है कि बर्फ थोड़ी सी पिघली है, माहौल इंडिया में भी ठीक चल रहा है, माहौल यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी परेशान कुन है और वो चीज ये परेशान कुन है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के ऑफिस में आने के बाद
जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, एंड अबव ऑल पाकिस्तान में भी एक इन्वेस्टमेंट हुई होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। जब बात होती है तो फिर ये जो होस्टाइल एनवायरनमेंट होता है फिर ये बाहर निकलता है। इमरान खान साहब भी इस तरह की बातें करते रहे, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, वहां पे बीजेपी करते रही, तो वो अवाम के अंदर इतना गम और गुस्सा है, और ऊपर से कश्मीरियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इस तरह की टॉक्स सपोर्ट नहीं करते। सो मेरा ख्याल ये है कि एक चीज की तो हमें अक्सर समझ आती है कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वापस आने में मुश्किल पैदा हो, लेकिन टू सम हाउ एक माहौल भारत में नजर आ रहा है, और पर्टिकुलरली बीजेपी की लीडरशिप वो मीडिया को क्या भेजते हैं इज अ डिफरेंट थिंग, और वो मीडिया को डेलिब्रेटली भेजते हैं। ये जो दुशंबे में मुलाकात हुई है वहां पे जो हमारी पाकिस्तानी सहाफी मोना खान ने रिपोर्टिंग की, उन्होंने ये कहा कि वहां पे इंडियन डिप्लोमेट कह रहे थे ये जो हमने अपने मीडिया में टाकरे दिखा दिखा के माहौल को खराब कर दिया हुआ है उसके बाइस ये मुलाकात नहीं हो सकी, हैंडशेक नहीं हो पा रहा। सो हॉस्टाइल एनवायरमेंट है, इसको पिघलाना चाहिए और इसके लिए एनवायरमेंट तैयार करना चाहिए। कि इस वक्त और काफी अरसे से जब से खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने भी अब बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि दे वांट गुड रिलेशन, पीस विद इंडिया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जारी बात है, उन्होंने अपनी तरफ से ये जुमला नहीं गढ़ा है, ये एक जॉइंट जो हमारी टॉप लीडरशिप है उन्हीं के आपस में मुशावरत के बाद के कोई बायलैटरल डायलॉग नहीं हो सकता, कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं हो सकती जब तक के आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक नहीं होगा। अब